तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आया हूँ अंबिकापुर, और आपको गणेश जी और कृष्णा जी की मूर्ति जितने भी हैं सभी चीज़ को दिखाने वाला हूँ। कितने फीट का बन रहा है, क्या है, कितना काम हुआ है, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे की ओर यहाँ अंदर भी मूर्ति बन रहा है। और यहाँ बैनर लगा हुआ है, लोकनाथ मूर्ति दुकान कलकत्ता वाले मूर्तिकार, और इस दुकान का नाम है श्री कृष्ण मूर्ति कला केंद्र, देख सकते हैं। और इस जगह बनारस रोड TCPC के पास, बनारस रोड अंबिकापुर सरगुजा। और यहाँ भैया भैया से बात करते हैं। तो भैया, मेरे को आप जानकारी दे दीजिए कि आप यहाँ कौन कौन सा मूर्ति बन रहा है अभी, कितने पूजा के लिए, यानी कि गणेश पूजा, कृष्ण पूजा, और कितने पूजा के लिए मूर्ति बन रहे हैं, कौन कौन से भगवान है, देवी देवताओं का? अभी तो फिलहाल कृष्ण जी बन रहा है, विश्वकर्मा जी, और गणेश जी, दुर्गा जी। और इस साल कितना फीट का परमिशन मिला है? इस साल तो अभी तक तो 4 फीट तक का बोले हैं, उससे बड़ा नहीं बनाना है। और आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मैं तो कलकत्ता का हूँ, लेकिन अभी तो फिलहाल यही रहता हूँ। मेरा नाम संजीत पाल है। और आप यही काम करते हैं मूर्ति? हाँ, मूर्ति का ही काम करते हैं। मूर्ति का ही काम करते हैं। और कितना दिन से, कितने महीने से तैयारी कर रहे हैं मूर्ति के लिए? हम लोग को तो साल भर यही काम चलता है, दूसरा कोई काम तो सीखे नहीं, ना जाने, तैयारी करते रहते हैं, इसी का ऊपर चलता है हम लोग को गुजारा। और चलिए मूर्ति वूर्ति दिखा दीजिए। हाँ, इधर सारे कृष्ण जी की मूर्ति हैं। गणेश जी का है और विश्वकर्मा जी का है। इधर कृष्ण जी का, कृष्ण जी का है। और अंदर में चलिए दिखा दीजिए। और यहाँ देख सकते हैं दादा मूर्ति बना रहे हैं। ये मिट्टी को कितने दिन से सान के रखा जाता है दादा, जैसे कि इसको बना के? नहीं, मिट्टी हम लोग सान लेते हैं पहले रेडी करके रखते हैं, रेडी करके रखते हैं, उसके बाद बनाते हैं। और ये सब मिट्टी कितना दिन का किया हुआ है? हफ्ता भर पहले। अच्छा, और कितना दिन पहले, हफ्ता भर के बाद बनाना पड़ता है क्या? हाँ, मिट्टी थोड़ा सा सड़ने से जो है अच्छा मुलायम होता है, नहीं तो फट जाएगा फिर। हाँ, मूर्ति फटता है। ये एक सप्ताह पहले रेडी करना पड़ता है मिट्टी को, उसके बाद काम चालू किया जाता है। और वो चीज़ है, उसका ढांचा है? हाँ, ढांचा है, मूर्ति का ढांचा है, देख सकते हैं दादा बना रहे हैं यहाँ। और इधर और मूर्तिकार लगे हुए हैं, इधर पूरा मूर्ति ही मूर्ति देख सकते हैं, छोटे बड़े सभी प्रकार की मूर्तियाँ बन रहे हैं। और यहाँ 20 कारीगर हैं दादा, यहाँ 20 लोग हैं ना काम करने वाले? और यहाँ 20 लोग काम कर रहे हैं, दिन रात एक मेहनत कर रहे हैं। कितना घंटा काम करते हैं? अभी तो रात 12 बजे तक चल रहा है काम। और सुबह? सुबह 7 बजे, 7 से 12 बजे तक कंटिन्यू काम चल रहा है। और ये देख सकते हैं नज़ारा, इधर देख सकते हैं यहाँ मिट्टी रखा हुआ है, ये सब मूर्ति बना रहे हैं, इधर मूर्तिकार लगे हुए हैं। और इधर देख सकते हैं 4 फीट 5 फीट 2 फीट 3 फीट का मूर्ति इधर पूरा बन रहा है, इधर पूरे मूर्ति ही मूर्ति लाइन से लगे हुए हैं। और क्या क्या प्राइस का है भैया? हम लोग के यहाँ 1000 से शुरू हो जाता है, 4-5 हज़ार तक का है। 4-5 फीट का? 4-5 फीट का ही 4500-3000, मतलब 3500 डिजाइन के ऊपर रेट। अच्छा, डिजाइन के ऊपर। और अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा मूर्तियों का? 25 तारीख, मतलब 5 तारीख के बाद। 5 तारीख के बाद, 10 तारीख से शुरू है गणेश जी का, तो यानी 5 तारीख के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। और बुकिंग करना चाहते हैं तो किसी भी टाइम कर सकते हैं आप, बुकिंग चालू हो गया है, बुकिंग चालू हो गया, आप आके यहाँ बुकिंग कर सकते हैं जी। तो यही है, देख सकते हैं पूरा मूर्ति बन रहा है, जोरों शोरों से लगे हुए हैं कारीगर मूर्ति बनाने के लिए, मूर्तिकार। और भैया हम लोग को दिखा रहे हैं मूर्ति, ये देख सकते हैं इधर सारे गणेश जी की मूर्ति हैं, और उधर भी आगे लेके चलता हूँ, उधर भी और मूर्तियाँ हैं, मूर्ति ही मूर्ति यहाँ, 4 फीट 5 फीट 2 फीट 3 फीट, और 1000 रुपये से चालू होता है मूर्ति, ये देख सकते हैं। और यहाँ मूर्ति बनाया जा रहा है, गणेश जी का मूर्ति बन रहा है। हाँ, गणेश जी, ये देख सकते हैं। और आप लोग कितने लोग बना रहे हैं, कारीगर कितने हैं मूर्ति बनाने वाले टोटल? 20 कारीगर, और यहाँ टोटल 20 लोग लगे हुए हैं, दिन रात एक कर दे रहे हैं काम करते करते। ये रहा नज़ारा यहाँ का, ये है मूर्ति भंडार। मेरा दुकान दो ठो था, एक तो लोकनाथ सील भंडार का नाम से पुराना दुकान था। हाँ, और ये श्री कृष्ण मूर्ति भंडार नया दुकान है।
तो पुराना दुकान, दोनों दुकान एक हो गया, श्री कृष्ण मूर्ति भंडार में आ गया, एक ही हो गया है, एक हो गया, सब कारीगर एक ही जगह है, एक ही जगह है सब। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, बुकिंग चालू हो चुका है, अपना मन पसंद का मूर्ति ले सकते हैं, यहाँ से आके बुक कर सकते हैं, और आप जब भी चाहें 5 तारीख के बाद मिल जाएगा। नहीं नहीं, कृष्ण जन्माष्टमी जो है अभी से चालू हो गया बुकिंग, 30 तारीख को पूजा है, उसको जो है ना 27-28 को कम्प्लीट हो जाएगा, 27-28 को कम्प्लीट हो जाएगा, कृष्ण मूर्ति ले जा सकते हैं 27-28 तारीख तक, और 5 तारीख के बाद गणेश जी का। तो दोस्तों फाइनली मैंने आपको दिखाया कृष्ण मूर्ति भंडार में मूर्ति जितने भी थे, गणेश जी, विश्वकर्मा जी और कृष्ण जी, सब अभी रेडी हो रहा है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।